बहुत समय पहले परी देश में रीना और मीना नाम की दो सौतेली परी बहनें रहती थीं। रीना बहुत ही चालाक और मतलबी थी। दूसरी तरफ मीना एक सीधी सादी परी थी। वो हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचती थी। उनके कॉलेज में सौरभ नाम का एक खूबसूरत लड़का पढ़ता था। मीना मन ही मन सौरभ को बहुत प्रेम करती थी। उधर रीना भी सौरभ से प्रेम करती थी और किसी भी कीमत पर उससे शादी करना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद सौरभ का जन्मदिन आ जाता है। रीना सौरभ को रिझाने के लिए खीर बनाकर ले जाती है। ये लो सौरभ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाकर लाई हूँ, जरा इस खीर को खाकर देखो। खीर को खाते ही सौरभ का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। अरे तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। इस खीर में शक्कर की जगह नमक डाला हुआ है। हटाओ मेरे सामने से ये खीर और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तभी वहाँ मीना एक केक लेकर आ जाती है। सौरभ, मेरे हाथ का बनाया हुआ केक खाकर देखो, मैंने बहुत मेहनत से ये केक खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। केक खाते ही सौरभ खुश हो जाता है। अरे वाह, ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना अच्छा केक मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। सच में मीना, तुम बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाती हो। मन करता है तुमसे शादी कर लूं, फिर मुझे रोज स्वादिष्ट केक खाने को मिलेगा। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ सौरभ। शादी के बाद मैं तुम्हें केक के साथ और भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हारे जैसी गुणी बहू पाकर मेरी माँ बहुत खुश होगी। फिर सौरभ मीना को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है और दोनों की शादी की बातें हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रीना को पता चलती है तो वो गुस्से से जलकर राख हो जाती है। उस मीना ने सौरभ को मुझसे छीन कर ठीक नहीं किया, अब मैं सौरभ और मीना की शादी तुड़वा कर ही दम लूंगी। अगले दिन रीना पृथ्वी पर रहने वाली अपनी सहेली के पास जाती है। रीना की सहेली एक बड़ी जादूगरनी थी। मेरी सौतेली बहन ने मेरे साथ धोखा किया है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो उससे शादी करने जा रही है। किसी भी तरह उन दोनों की शादी तुड़वा दो। तो फिक्र मत कर मीना, तू मेरी पक्की सहेली है। मैं तेरी बहन का ऐसा हाल करूंगी कि सब लोग उससे नफरत करेंगे। उसके बाद वो जादूगरनी भूतिया क्रीम तैयार करके रीना को दे देती है। तेरी बहन के कमरे में जो क्रीम का डिब्बा है उसमें इस क्रीम को मिला देना। इसे लगाते ही तेरी बहन के सिर से एक शैतानी सिर बाहर निकल आएगा। उसके बाद वो दो सिर वाली परी बन जाएगी। ये सुनकर रीना परी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उस भूतिया क्रीम को मीना के कमरे में रखी क्रीम के अंदर मिला देती है। इस बात से अनजान मीना परी रोज अपने चेहरे पर क्रीम लगाना जारी रखती है। फिर कुछ दिनों बाद मीना और सौरभ की शादी का दिन आ जाता है। लेकिन उसी शाम अचानक मीना के सिर से एक शैतानी सिर बाहर निकल आता है। वो चुड़ैल के चेहरे की तरह डरावना था, जिसे देख शादी में आए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये सब क्या है मीना, अचानक तुम्हारे शरीर में एक शैतान का सिर कहां से प्रकट हो गया? मुझे कुछ नहीं पता सौरभ, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? अरे ये मीना बहुत ही बड़ी धोखेबाज है, ये एक चुड़ैल के साथ मिलकर तुम्हें जान से मारना चाहती है। उस चुड़ैल को शैतान के सामने बलि चढ़ाने के लिए तुम्हारे जैसे एक खूबसूरत नौजवान की जरूरत है, इसीलिए उस चुड़ैल ने मीना को शैतानी सिर दिया है। नहीं नहीं ये सब झूठ है, मीना ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, अपने सामने इसके शरीर में शैतानी सर देख के भी ऐसे नासमझी वाली बातें कर रहे हो। तभी वहाँ मौजूद दूसरी परियां रीना परी की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती हैं। बेटा लगता है इसके अंदर सच में कोई शैतान समा गया है, अब इससे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, चल यहाँ से चलते हैं। हाँ आंटी जी,
आप सौरभ को लेकर यहाँ से चली जाइए, वरना वो चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। फिर ये मीना चुड़ैल के साथ मिलकर सौरभ को जान से मार देगी। वहीं दूसरी तरफ आसमान से गुजर रही एक चुड़ैल ये सारा तमाशा देख लेती है। ये परी तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज है, ये अपने मतलब के लिए हम चुड़ैलों का नाम बदनाम कर रही है। अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद चुड़ैल रीना परी के सामने पहुँच जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती है। मैं जानती हूँ कि तूने ही अपनी सौतेली बहन के साथ चाल चली है, चल जल्दी से सबके सामने सच्चाई बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। रीना परी चुड़ैल की मार बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना गुनाह कबूल करने लगती है। हाँ हाँ, मैंने ही जानबूझकर भूतिया क्रीम के जरिए मीना का ये हाल किया है, क्योंकि मैं सौरभ से शादी करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सौरभ के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी परियां गुस्से से आग बबूला होकर रीना की खूब पिटाई करती हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल मीना परी को जादुई फल खिलाकर उसे फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना देती है। इस तरह रीना परी को उसका सबक मिल जाता है और दूसरी तरफ मीना परी सौरभ से शादी करके हंसी खुशी रहने लगती है। इसी गांव में जयंती लाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। जयंती लाल अपनी बेटियों की परवरिश के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसे हर वक्त यही चिंता सताती थी कि आखिर इस महंगाई के दौर में वो अपनी बेटियों की शादी का खर्च कैसे उठाएगा। दूसरी तरफ कम कमाई होने की वजह से आए दिन उसे लोगों से कर्ज भी लेना पड़ता था। फिर एक दिन जयंती लाल लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे मनोहर नाम का एक दुष्ट आदमी मिलता है। संजयंती लाल, आखिर तू मुझे पैसों के लिए और कितना परेशान करेगा, बोल मेरे पैसे कब लौटाएगा। भाई आजकल मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। देख मैं तेरे सामने प्रस्ताव रखता हूँ, अगर तू अपनी बड़ी बेटी से मेरी शादी करवा दे तो मैं बदले में सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मनोहर के मुंह से ये बातें सुनकर जयंती लाल का खून खौल उठता है। अरे बेशरम, वो तेरी बेटी की उम्र की है और तू उससे शादी करना चाहता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। दोबारा मुझसे इस तरह की बातें मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। और हाँ, एक हफ्ते बाद अपने पैसे ले लेना, चल अब निकल यहाँ से। इस तरह जयंती लाल मनोहर को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मनोहर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो जयंती लाल से बदला लेने का मन बना लेता है। फिर एक दिन जयंती लाल नदी में मछली पकड़ रहा था, तभी अचानक उसके जाल में एक बड़ा बक्सा फंस जाता है। उस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये देख जयंती लाल बहुत खुश होता है और आसमान की ओर देख भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी नदी में मछलियां पकड़ रहा मनोहर ये सब देख लेता है। उधर जयंती लाल उस बक्से को लेकर अपने घर चला जाता है। देखो मेरी बेटियों, आज मुझे सोने के सिक्कों से भरा ये बक्सा मिला है। इतना कहकर जयंती लाल बक्सा खोल देता है। अपने सामने ढेर सारे सोने के सिक्के देख सातों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेचने पर तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ इतना ही नहीं, हमारी गरीबी पूरी तरह दूर हो जाएगी और हम दुनिया की कोई भी चीज आसानी से खरीद सकेंगे। पिताजी सबसे पहले आप इस झोपड़े को तुड़वा कर यहाँ एक बड़ा घर बनवाइएगा। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, फिक्र मत करो, ये सारे सोने के सिक्के तुम लोगों के ही हैं, जो चाहे वो करना। इस तरह जयंती लाल अपनी बेटियों से बात कर रहा था कि तभी अचानक मनोहर दो लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, चल निकल यहाँ से। देख मैं वो सोने के सिक्कों से भरा बक्सा लेने आया हूँ, चुपचाप वो मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा तो तुझे बक्से के बारे में भी पता चल गया है, तू चाहे जो कर ले, मैं तुझे एक सोने का सिक्का भी नहीं दूंगा।
मनोहर उसी वक्त अपने आदमियों के साथ मिलकर जयंती लाल की पिटाई करने लगता है। मेरी बच्चियों, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तुम सब इस बक्से को लेकर यहाँ से भाग जाओ, इन जालिमों के हाथ एक सिक्का भी नहीं लगना चाहिए। तभी मनोहर चाकू निकालकर सातों बहनों को डराने लगता है, लेकिन तभी बड़ी बहन मनोहर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो सातों उस बक्से को उठाकर वहाँ से भाग निकलती हैं। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों के साथ जयंती लाल की बेटियों का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ सातों बहनें भागते हुए पास के जंगल में पहुँच जाती हैं। तभी पेड़ पर बैठी एक परी उन्हें देख लेती है। अरे आखिर बात क्या है, तुम सब बहुत डरी हुई दिख रही हो। एक दुष्ट आदमी हमारे पीछे पड़ा है, वो हमें मारकर हमारे पास मौजूद सोने के सिक्के हासिल करना चाहता है। अच्छा ये बात है, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो दुष्ट आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद परी वहाँ केक से बना एक जादुई घर प्रकट कर देती है। अब तुम सब इस घर के अंदर चली जाओ, ये जादुई घर तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी अचानक वहाँ मनोहर अपने साथियों के साथ आ जाता है। मनोहर को देख सातों बहनें घर के अंदर चली जाती हैं। तुम सबको क्या लगता है, इस केक से बने घर के अंदर छुपकर मुझसे बच जाओगी? ठहरो, मैं अभी इस घर के टुकड़े कर दूंगा। उसके बाद मनोहर और उसके दोनों साथी चाकू से उसके घर को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। हाय मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। अरे ये कोई मामूली केक घर नहीं है, ये तो जादुई है। तभी पेड़ पर बैठी परी हंसते हुए कहती है। हाँ बेवकूफों, ये एक जादुई केक घर है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। अच्छा तो ये सब तेरी साजिश है, ठहर जा, पहले मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर मनोहर पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मनोहर को एक कुत्ते के रूप में बदल देती है। मनोहर भौं-भौं करता हुआ गोल गोल घूमने लगता है। उसकी ऐसी हालत देख उसके दोनों साथी घबरा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर परी कुत्ता बने मनोहर की पूंछ में आग लगा देती है। फिर मनोहर भी डर के वहाँ से भाग निकलता है। इस तरह मनोहर को उनका सबक मिल जाता है और दूसरी तरफ वो परी उन सातों बहनों को वो जादुई घर दे देती है। उसके बाद वो सातों बहनें जादुई के घर को हवा में उड़ाकर अपने पिता के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद जयंती लाल सारे सोने के सिक्के बेचकर ढेर सारी दौलत इकट्ठा कर लेता है और अमीर बनकर अपनी बेटियों के साथ उस जादुई के घर में हंसी खुशी रहने लगता है।